तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से ही होंगे। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग जो मिल्किंग मशीन लगभग एक साल पहले जो खरीदे थे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने रखा है मिल्किंग मशीन, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप डेयरी फार्मिंग बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो मिल्किंग मशीन बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ से दूध निकालना बहुत तकलीफ का काम है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं भी खरीदते हैं, लेकिन हमने खरीदा एक साल पहले। और हमने इस बार पिछले बार ये भी बताया था कि हमने जो मशीन खरीदी है ये इन्वर्टर से चलेगा। तो आज हम लोग लाइव वीडियो इन्वर्टर से मशीन से दो गाय का दूध निकाल कर दिखाएंगे। एक्चुअली हम लोग सब जितने गाय हमारे पास मिल्किंग में है सबको हम लोग निकाल सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग दो का निकालेंगे जो अभी भी कुछ दिन पहले ही बच्चा दी थी, क्योंकि बहुत ही जरूरी था। देखिए, बैकअप के लिए बैटरी होना बहुत ही जरूरी था हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कैमरा लगा है उसको भी बैकअप चाहिए था। लाइट कट जाने पे लाइट का भी दिक्कत था, और इन्वर्टर खास करके मिल्किंग मशीन के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर आप टाइमिंग पे दूध निकालने जा रहे हैं और लाइन कट गया आधे पे तो आधे से छूट जाता था, हाथ से निकालना पड़ता था। बहुत मुश्किल का सामना हमने किया भी है। तो हमने सोचा कि नहीं, इसको इन्वर्टर खरीद लेना चाहिए। और जो हमने मशीन खरीदी थी उस पर आज बहुत ही लोगों का कमेंट भी था कि भैया कैसा मशीन चल रहा है, वो आज की इस वीडियो में वो भी बताएंगे। उस पर लगाऊंगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 एम्पियर का हमने ये बैटरी खरीदा है। ये बैटरी है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 150 एम्पियर का है। और ये जो है इन्वर्टर, ये यहाँ पे आपको दिखा दूं 1250 वाट का है। तो ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे लेकर आया है ताकि आपको एकदम लाइव वीडियो यहाँ से दिखा सकूं। यहाँ पे आप गोधन मिल्किंग मशीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमने एक साल पहले खरीदी थी अभी भी ठीक है। इसको हम लोग बैकअप के लिए रखते हैं, दो दो मशीन है हमारे पास। हम लोग पहले वाला भी जो था वो भी मशीन ठीक है, ये भी मशीन ठीक है। ये इन्वर्टर से आसानी से चल जाती है, उसमें थोड़ा वोल्टेज ज्यादा लेता है, इसमें कम लेता है, और हम लोग आसानी से चला लेते हैं। अब मिल्किंग के लिए स्टार्ट हो गया है तो इसका लाइव मिल्क रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि कितना दूध करती है ये मशीन। हम लोग लगभग एक साल पहले 22,000 रुपये या 19,000 में ऐसे ही कुछ हमने 21-22,000 में खरीदा था। एग्जैक्ट प्राइस बिल देखने के बाद पता चलेगा। एक्चुअली वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया था, इस मशीन के भी सब कुछ ठीक है, इस मशीन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मीटर का प्रॉब्लम आया है, जो ये मीटर जो शो करता है ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया है, जो शायद जाम हो या जो भी हो थोड़ा प्रॉब्लम आया है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। मोबिल वगैरह हम लोग बराबर चेंज करते हैं, मशीन के अंदर जो लाइनर होता है लगभग एक साल पे चेंज करना होता है, और बाकी का कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लाइव यहाँ पे आपको दिखा दें, लाइव मिल्किंग भी कर देते हैं इस दोनों गायों का ताकि आपको एक यकीन हो जाए। एक्चुअली मिल्क रिकॉर्ड करना मकसद नहीं था, मकसद तो ये है कि इन्वर्टर पे चलाकर दिखाना है ताकि आपको भी विश्वास हो कि इन्वर्टर पे भी बैटरी से भी हम लोग मिल्किंग मशीन से दूध निकाला जा सकता है। यहाँ पे पूरी रेडी हो गई, गाय भी रेडी है, बच्चे को छोड़कर पिलाकर दिखा दें। सिर्फ 2 बाट से इसका दूध निकाला जाएगा, 2 बाट का ही दूध निकालते हैं, 1 का बछड़ी पी लेती है। मेरे यहाँ लगभग 1 महीना बच्चा देकर हो गया है, हमारे अंदाज से लगभग 5 kg के अराउंड दूध करती है। यहाँ पे आपको अभी जस्ट जर्सी गाय का इसी इन्वर्टर से दूध निकाला गया, यहाँ पे देख सकते हैं, जो लगभग 4 महीने पहले बच्चा दिए, इसका दूध 4 kg 90 ग्राम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको कर देते हैं पहले 0, तो ये हमने 0 कर दिया है। अब यहाँ पे मिल्किंग के लिए अब इसमें हम लोग प्लग लगा देते हैं। तो ये तैयार हो गया मशीन हो गया रेडी, दूध निकाला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं से इसको चार्जिंग, बैटरी पूरा फुल चार्ज नहीं है, एक गाय को हमने दूध निकाला है जर्सी का। अब यहाँ पे मिल्किंग हो रहा है, तो
दोस्तों इसका मिल्किंग हम लोगों ने कंप्लीट किया। दो थन से कितना दूध है वो लाइव वेट करके दिखाते हैं। पहले वजन कर लिया जाए इसका। तो काटा लाइव अभी भी जीरो देखा जा सकता है और दूध इसके अंदर से ढाला जा रहा है। लाइव मिल्किंग करने का कोई अभी शौक नहीं थी, दिखा नहीं पाएगा, अच्छी दूध कर भी नहीं पाएगी। तो इसका 4 kg दूध आपको देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी कम है। गर्मी काफ़ी है और गर्मी की वजह से काफ़ी दूध कम हुआ है। ये चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं, एक्चुअली कर भी नहीं सकते कुछ। थोड़ा बहुत दूध और होगा उसके पार्ट में, थोड़ा बहुत हाथ से निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों दूसरी गाय रेडी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों को हमने छोड़ दिया है और यहाँ पे जस्ट मशीन को फिर से रेडी करेंगे। यानी कि आपने देखा बिल्कुल आसानी से, मात्र लगभग 5 मिनट लगा होगा, समथिंग 5 मिनट के अंदर ही अंदर दो थन से दूध निकाल ली। 4 थन को भी अगर आप लगाते तो भी आराम से दूध निकाला जा सकता था। ये पुणे में है मशीन का जो फैक्ट्री है गोधन का, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसका गोधन मिल्किंग मशीन, ये पुणे में है। यहीं पुणे से ही हम लोग जब वीडियो करने गए थे तो हमने उसके बाद मिल्किंग मशीन मंगाई थी उनसे। एक्चुअली मिल्किंग मशीन अगर आप बड़े लेवल पर रख रहे हैं तो एक दो रखना पड़ता है। एक अगर हमारे एरिया में अगर बात करें तो कुछ बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मिल नहीं पाता है, इस वजह से दिक्कत आता है। तो इस वजह से हमने सोचा था कि इसको 2 मशीन रखना ज़रूरी है, तो हम इस वजह से मंगाए थे। कभी वो ख़राब होता है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसको। तो अभी कोई खास मुझे इसके अंदर कोई मेंटेनेंस चार्ज कुछ लगा नहीं है। जो लाइनर का खर्च है, लाइनर हमने ऑर्डर कर दिया है, लाइनर मंगवाना पड़ेगा। एक्चुअली 1 साल अगर आपका हो जाए तो लाइनर चेंज करना पड़ता है। आप कहीं से भी मशीन खरीदेंगे तो कोई भी बढ़िया कंपनी, बढ़िया से बढ़िया कंपनी खरीद लेते हैं, फिर भी आपको लाइनर चेंज करना पड़ेगा। लगा तो रेडी हो गया, पिन्हा गई। अभी भी ये बैटरी से ही चल रहा है। ये आपको कंफर्म करने के लिए मैंने ऐसा ही कनेक्शन, इन्वर्टर को हमने घर से निकाल कर यहाँ पे लगा रखा है। एक्चुअली आप लोगों को सिर्फ क्लियर दिखा सकूं, हम लोगों ने सुविधा दूसरा किया है। हमारे घर से डायरेक्ट उस रूम के अंदर कनेक्शन है, यानी कि इन्वर्टर का रखने का जगह रूम के अंदर है। तो दोस्तों इसका मिल्किंग कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे थन बाट की मेरी गाय है यार। और इसका चलिए मिल्क रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले मशीन बंद कर देते हैं और बछड़े को एक पूरा दूध मिला है आज। इतना हम लोग नहीं पिलाते हैं, झूठ क्यों बोलूँ यार, थोड़ा कम पिलाते हैं। लगभग 1 kg 1 टाइम में दूध मिलता है इसको। तो मशीन बंद कर दिए, आपने देखा लगभग 2 गाय का हमने डायरेक्ट इन्वर्टर से हमने मशीन से दूध निकाल कर दिखाया है। अभी इन सभी को 1, 2 और एक लाल, तीन को अभी दूध निकालना बाकी है और निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पे आप 0 देख सकते हैं, 0 ना कर लेकर 4 किलो 400 था और 5 किलो 200, यानी 600 किलो दूध गया है इसमें। तो 8 किलो दूध, 800 ग्राम दूध। उसमें चला गया 6 kg, इसमें 6 kg 30 ग्राम ये है, यानी कि 6 kg 800 3 बाट से, यानी लगभग 7 kg दूध 3 बाट से इसने निकाली है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं मिल्किंग मशीन के बारे में। मिल्किंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मिल्किंग मशीन आपने नहीं खरीदा तो जरूर खरीद लें। अब रही बात कि कौन सा ब्रांड खरीदे, आपके पास अगर कम बजट में खरीदना चाहते हैं तो आप बेझिझक गोधन मिल्किंग मशीन खरीद सकते हैं। हमने एक साल का मेरा एक्सपीरियंस है, बढ़िया है। इसको हम लोग इन्वर्टर से यूज करते हैं। अगर आप भी मिल्किंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप गोधन का इस वीडियो में नंबर दे दे रहा हूँ, हेल्पलाइन नंबर, जिससे आप संपर्क करके खरीद सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपको, आपके मिल्किंग मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उनसे बात करके हल निकलवाएं। अगर उनका कोई फोन कॉल्स नहीं उठाते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत करते हैं, तो आप बेझिझक मुझे संपर्क करें, आपका पूरा का पूरा हेल्प किया जाएगा। बहुत सारे ऐसा लोगों का कभी कभी देखने के लिए मिला है कि बहुत सारे लोग जब मशीन बेच देते हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं देते, तो अगर इस तरह की बात आएगी तो मैं पूरा आपके साथ देने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इसी पे बात की कि अगर आप भी इन्वर्टर वाली मशीन मिल्किंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो गोधन मिल्किंग मशीन खरीद सकते हैं। कैसा लगा हमारा मशीन, कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो शीतल गाय को भी अभी हम लोग उसी तरह से दूध निकाले हैं और इसका भी मिल्क रिकॉर्ड करते हैं, जो लगभग जनवरी से 6 महीने होने वाले हैं इसकी प्रेग्नेंट का। 6 महीने कन्फर्म प्रेग्नेंट होने वाला है। 0 हमने कर दिया था, 3.5 kg, जो कि ये भी 5 kg दूध हो रहा था। अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, एक्चुअली प्रेग्नेंट का टाइम नज़दीक, अब ड्राई भी करने का समय आ रहा है।